देखिए लास्ट मैच हमारा गलत गया, ठीक है, हमने चेस पकड़ा था और गुजरात वन साइडेड हार गया। हालांकि मेरा चेस का सिर्फ ये इंटेंशन होता है कि अपना काम हो जाए, बट कहीं ना कहीं गुजरात ने पूरा धोखा दे दिया। 172 टोटल भी वो नहीं बना पाया, या तो क्लोज भी नहीं आ पाया आप बोल सकते हो। मैच विन सिचुएशन पे भी नहीं थे, बट एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि गुजरात नेक्स्ट मैच या तो जीतेगा या तो लो लगेगा, क्योंकि गुजरात इस तरह मैं यही मानता हूँ कि जो टूर्नामेंट की टॉप की टीम होती है, जो डिजर्विंग होती है, चाहे जितने भी रिकॉर्ड में ये हो वो हो, बट गुजरात या तो वो मैच जीतेगा या लो लगेगा। आपका जितना मन आप उतना कर लीजिएगा, मैं आपको बोलूंगा ये चीज़, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। चाहे आज मुंबई जीते, चाहे आपकी LHC जीते, वो मैच गुजरात के साथ ही आपको रहना है, ये मैं अभी से बोल रहा हूँ, बिकॉज गुजरात टॉप की टीम है और मेरे को काफ़ी दिमाग मेरा घूम गया पूरी तरह से। चलिए ठीक है, आज के लिए डिस्कस करते, क्योंकि ये सिलसिला तो चलता रहेगा, मैं ये चीज़ कंटिन्यू करता रहूँगा और मेरे को जो मालूम है बताता रहूँगा, बट दिमाग खराब हो गया, ठीक है। 172 रन वन साइडेड हार जाने का मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। इसी पिच पे 172 बना है, उस बंदे ने अपडेटेड तो नहीं दिया है, ठीक है। तो ये वही वाली पिच रहेगी चेन्नई की, और मैंने वही आपको बोला था 170 से लेकर के 200 तक बन सकता है, कल 170 से थोड़ा ऊपर बना। अब ये कौन सी पिच यूज़ करेंगे ये अभी श्योरिटी नहीं है, तो फिर भी दोनों ही टीम की बैटिंग स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आपको आज वापस से 160 से 180 तक का टोटल मिल सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो लो स्कोरिंग इनकाउंटर नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि मज़ा नहीं आता ना ये सब फाइनल वगैरह ये सब, कहीं ना कहीं वो बन जाएगा, रन बन जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए दो चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, अगर मुंबई चेज करेगी तो मुंबई के साथ रहना, मैं अभी भी चेज के ही साथ हूँ, बिकॉज मैंने क्या देखा है इस ग्राउंड पे कि पहले इनिंग में तो ग्राउंड थोड़ा सा रुक के आता है, जैसे हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखा, ठीक है, और जैसे ही रात होती है या तो फिर आपका जो सेकंड इनिंग होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो ड्यू पड़ने की वजह से आखिरी में आप देखो कितना आसान हो गई थी पिच, वो सब खाली टच कर रहे थे तो छक्का जा रहा था, बट यह है कि तब तक उनके विकेट थ्रो हो गए। बट आज भी यही होने वाला है, सिंस ये सब रात के मैचेस होते हैं और काफ़ी ड्रामा होता है इन सब मैच में अगर आप देखो तो, ठीक है। अगर वो चाहता तो कहीं ना कहीं कल भी अगर आप देखो तो धोनी ने 9 मिनट तक गेम को हॉल्ट कर दिया, अगर कोई दूसरा कैप्टन होता तो ये माना नहीं जाता, क्योंकि 9 मिनट तक आपके मथीशा पथिराना जो थे वो ग्राउंड पे नहीं थे, बॉलिंग नहीं कर सकते थे। अब 3 ओवर बचा, 5 ओवर टीम का बचा था और 3 ओवर उनका बचा था, अगर वो वहाँ बॉलिंग नहीं करते ना तो किसी एक और इधर उधर बॉलर को आना पड़ता, हो सकता है वहाँ मैच घूम जाता, बट अंपायर भी खड़े रहे, ये लोग कुछ बोलते भी नहीं है, ठीक है, वो आइकन है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बट क्रिकेट तो क्रिकेट होता है ना, वो 9 मिनट के बाद आ रहे हैं आराम से बॉलिंग कर रहे हैं, सुस्ता के आ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। ये सारे जो भी हुआ कल बहुत खराब हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एंड में जाकर के आप यही देखोगे कि पिच ईजी हो गई है और दोनों ही टीम जो चेस कर रही है उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। आज भी मैं यही बोलता हूँ, दोनों ही टीम की बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इनकी जो टीम के नीचे के जितने भी बैट्समैन हैं सब मैच विनर हैं, ठीक है, ये तो आपको भी मालूम होगा। तो आखिरी में अगर ये विकेट बचा लिए तो अगर ये चेस कर रहे हैं LHD तो आपका काम LHD के साथ भी हो जाएगा। बट मैं आज प्रेडिक्शन दूंगा टीम का, पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए करण शर्मा अच्छा है बट खेल नहीं पा रहा है, बिकॉज डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हैं बट यहाँ आकर के खेलना डायरेक्ट इतना ईजी नहीं है, ठीक है। बाकी प्रेरक ये ऑफिस में स्पिन भी करते हैं करण शर्मा, था ऑफिस में प्रेरक मानकर ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्विंटन डिकॉक तो भाई मैच विनर है, स्टोनिस मैच विनर, मतलब इनके पास 3 ऐसे क्रिकेटर हैं जो अपने दिन पे कोई भी मैच कहीं से भी खत्म कर सकते हैं, मतलब 3 टॉप के क्रिकेटर जो कहीं भी किसी भी टूर्नामेंट के किसी भी लीग की किसी भी टीम में आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब ओके ओके क्रिकेटर हैं, ठीक है। मोहसिन खान ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, नवीन उलग भी कहीं ना कहीं वो डिफेंड बॉलर हैं, रवि बिश्नोई का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं, आयुष बदोनी भी अच्छा खेल रहे हैं और बाकी कृष्णप्पा गौतम मेरे मतलब फेवरेट है, ठीक है, ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग में कहीं ना कहीं आखिरी में छक्का चौका मार लेते हैं। बाकी तो इनकी जो यश ठाकुर हैं इंडिया के फ्यूचर हैं, डेफिनेटली इंडिया टीम में आ जाएंगे, काफी अच्छे यॉर्कर मारते हैं, आखिरी में जाकर इतना आसान नहीं होता राउंड द विकेट आकर के इतनी यॉर्कर मारना या तो स्लोवर वन डालना, बहुत ही बड़े बॉलर बन जाएंगे यश ठाकुर, बाकी तो इसमें से कोई खेलेगा नहीं, ठीक है। हो सकता है दीपक हुड्डा को वापस मौका मिल जाए करण शर्मा की जगह, ठीक है। बाकी मुंबई इंडियंस को अगर आप देखो तो आज तिलक वर्मा खेलेगा, ठीक है, जहां तक न्यूज आ रही है ये फिट है पूरी तरह से, तो ये किसी को भी हटा सकते हैं, जिनको भी हटा दे, चाहे निहल वाद्रा को हटा दे या तो किसी को भी हटा दे, पर ये बंदा खेलेगा आज तिलक वर्मा, काफी क्लास क्रिकेटर है। बॉलिंग में आकाश मरवाल का मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 विकेट इन्होंने लिया था, ठीक है, SRH के साथ ये अच्छे यॉर्कर मार रहे हैं। बाकी ये विकेट टेकर नहीं है कुमार कार्तिकेयन, खाली रन रोकते हैं, जेसन बैंड्रॉफ वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर, ठीक है, ये दो अच्छे बॉलर हैं और बाकी पीयूष चावला भी अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, स्पिनिंग ट्रैक रहेगा आज का, ठीक है। बाकी क्रिस जॉर्डन मेरे को उतने पसंद नहीं है, बट कहीं ना कहीं स्लोवर ट्रैक में हो सकता है रन वगैरह बचा ले, तो टीम अच्छी है इनकी। और आज अगर आप इनके साथ देखिए सीधी सी बात है, चेस करेंगे तो इनके साथ रहना है, वो तो आपने देख ही लिया किस हिसाब का मार्केट सपोर्ट कर रहा है, मार्केट अभी पूरी तरह से चेन्नई को सपोर्ट कर रहा था, आज पूरा मार्केट इन्हीं को सपोर्ट करेगा, आप इनके साथ रहो आपके लिए बेटर रहेगा, चाहे बैटिंग करें चाहे बॉलिंग करें, आपका काम क्या है कि भाई अपने को कुछ ना कुछ बन जाए यहां से, ठीक है, यहां मैं इसी तरह से बोल सकता हूं, तो आप इनके साथ रहोगे पूरे मैच भर में आप देखोगे कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बैटिंग करेंगे तो बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं वो रन वगैरह बना लेंगे, इनके पास क्या है कि इस तरीके से इनके पास एक तरह से डिफेंड के बॉलर है, ये सब जितने भी बॉलर है ना इनके पास डिफेंड के बॉलर है, ये पहली बॉलिंग करेंगे तो मरा जाएंगे, कई बार आपने देखा होगा बहुत मोटा मराते हैं आखिर में जाकर, क्योंकि ये सब डिफेंड के बॉलर है, डिफेंड के बॉलर और फर्स्ट जो आपके स्टार्ट इनिंग के बॉलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नवीन उलग को आप बोलोगे भाई 2 ओवर में 18 रन चाहिए अच्छी बॉलिंग कर दो तो शायद ही कर देगा, बट जैसे मोहसिन खान ने भी काफी आपको डिफेंड करके लास्ट ईयर भी अच्छी बॉलिंग की थी, तो यश ठाकुर आखिरी में यॉर्कर मारते हैं, पर ये सब पहली इनिंग के बॉलर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग कमजोर होने की वजह से मुंबई मोटा रन बना सकती है, आज का ग्राउंड थोड़ा स्लो रह सकता है, पर फिर भी हो सकता है वहाँ पे आपको एक मैच अच्छा मिल जाए, बिकॉज आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, सब जितने भी क्रिकेटर हैं आज हाई एंटीसिपेटेड मुकाबला होगा, और कहीं क्विंटन डिकॉक का विकेट गिरा तो फिर ये नीचे के प्लेयर खाली बच जाएंगे, वो तो आपको मालूम ही है कि भाई मार्कस स्टोनिस भी स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लेता है, निकोलस पुरन मैच विनर आते ही बल्ला भांजना शुरू करता है, बट मुकाबला होगा इनके साथ तो इनके पास ऑफ स्पिनर कोई है नहीं, बाकी देखा जाएगा कुछ भी होगा, आज मुंबई इंडियंस के साथ आपको रहना है, हालांकि मैं आज भी चेज के साथ ही रहना चाहूंगा, यही मैंने सोचा है कि इस पिच पे तो देखिए चेज ही होगा, ये वाला भी चेज हुआ है, ये DC तो जबरदस्ती हारी थी इनकी बेकार टीम थी, ये भी चेज हुआ और कल वन साइडेड डिफेंड हो गया और मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है।
आज के लिए टीम हमारी मुंबई इंडियंस रहेगी। हालांकि सभी को मालूम है मैं कोई वीडियो बना के कुछ अलग काम नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा बताएगा कि भाई आज मुंबई जीतेगा, ठीक है, सीधी बात है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। पर मैं आपको अपना एक पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे कि अगर LSG चेस करेगी तो आप LSG के साथ रह सकते हो, बशर्ते कि आप पूरा दोनों तरफ अपना प्रॉफिट बना लो, ठीक है। LSG आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो मैच में आ जाएगी, बिकॉज इनकी बॉलिंग कमजोर है मुंबई की। पहली बैटिंग में कितना बनाते हैं देखना पड़ेगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है मुंबई की, और जैसे क्रिस गेल ने सेंचुरी मार के आए हैं तो कहीं ना कहीं रन बना लेंगे। मेरे को अच्छे दिमाग इस बात का खराब होता है ना कि दोनों टीम अच्छी होने के बाद भी वो मैच वन साइडेड हो जाता है, तो वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती। मतलब वो चीज़ पिक करना यार कसम बता रहा हूँ बहुत टफ है। चेन्नई और आपकी गुजरात अगर आप देखो तो दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है, दोनों ही वन साइडेड नहीं हार सकती। तो यही बात है, अब आज के दिन में भी मैं इसीलिए आपको मुंबई इसलिए बोल रहा हूँ, कल भी मेरी टीम चेन्नई थी अगर आप गौर करो तो, मैंने पूरे वीडियो में यही बोला था कि चेन्नई की टीम स्ट्रॉन्ग है, बट अगर ये चेज डिफेंड करेंगे तो रेट मतलब कहीं ना कहीं आपका ऐसा काम हो जाएगा कि आप गुजरात के साथ रहकर भी आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा। बस मेरा यही एम था कल का, बट वो उसका उल्टा ही हो गया। चेन्नई स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, उनकी बॉलिंग अच्छी, मैंने साफ साफ बोला था कि भाई मोहम्मद शमी जो है स्टार्ट में बॉलिंग करेगा बट वो सब रन रोक लेंगे, मतलब आउट नहीं होंगे, ठीक है, इनके ओपनर्स, पर उसका उल्टा हो गया, ठीक है। चलिए तो आज की ही बात कर लेते हैं, फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ है इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं है मेरा, फाइनल कर देते हैं, ठीक है। पहली चीज़ है आज आपको मुंबई के साथ रहना है, दूसरी चीज़ अगर ये चेस पे आती है तो मैच जैकपॉट मिल सकता है आपको, ठीक है, आपको काफ़ी अच्छा मैच देखने मिल सकता है मार्केट के हिसाब से, मेरी बात समझ लीजिएगा। ये पहली बैटिंग आते हैं तो आप इनके साथ रहोगे तो इनसे कंटिन्यू सारे चेस करिए तो आपका काम हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे को टीम नहीं मालूम, बट आपका काम हो जाएगा अगर आप इस टीम को पकड़ के चलोगे तो पूरे मैच में, अगर ये चेस कर रहे तो। अगर ये डिफेंड करें तो इनकी टीम में कुछ ऐसे मैच विनर हैं जो चेस करके दे सकती हैं, मैच इंटरेस्टिंग बन सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ आखिरी में जाकर के कुछ भी बन सकता है इस पिच पे, आखिरी के चार ओवर में पांच ओवर में, बिकॉज पहली इनिंग खत्म होते होते ना 9:30 बज जाता है, वो आजकल जो DRS ये सारी चीज़ें होती है ना, तो उसके बाद इनिंग खत्म होती है तो सेकंड इनिंग 11 बजे के बाद आती है, तो अभी मौसम भी थोड़ा सा वैसा है और कहीं ना कहीं वो ड्यू पड़ जाती है, तो आखिरी में वो मैच विनर हो सकते हैं। के गौतम है आपके, आयुष बदोनी है आपके, ये सब मैच में कलर ला सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है। निकोलस पूरन है, स्टोइनिस थोड़ा सा टिक गया तो मैच अच्छा बन सकता है, बट ये है कि ये अगर चेस करेंगे तो फिर आप इनको इनके साथ ही रहना है, चाहे जितना भी बने। ये चेस करेंगे तो मैच में कलर आ सकता है, बट आप डेफिनेटली मुंबई को ही आज पकड़ के रखना, बिकॉज मार्केट पूरा मुंबई के ही साथ है और इनका जीतना थोड़ा सा जीतने में जीत सकते हैं। देखेंगे अगर आप गौर से देखेंगे तो लास्ट का 3 मैच इन्होंने जीता बल्कि मुंबई को भी हराया था, तो एक विनिंग जोन में है ये और ये मैच अच्छा हो सकता है। मेरा बस ये है यार कि मैच अच्छा हो, ठीक है, इससे अपन कोई भी टीम पकड़े तो अपना काम हो जाए। तो मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी है, फाइनल कर देता हूँ, आज की टीम हमारी फाइनल टीम मुंबई रहेगी, ठीक है। मुंबई चेस करेगी तो पक्का मुंबई रहेगी, बिकॉज फिर तो मेरा रहेगा कि हाँ भाई आपका काम हो जाएगा, बट अगर ये चेस पे आ गए तो फिर आप थोड़ा सा देख लेना, हालांकि आपको स्टार्ट में तो कुछ मिलना नहीं है बट फिर भी आप मुंबई के साथ ही रहना, वही आपके लिए बेटर रहेगा। बट फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, अगर ये चेस पे आएंगे तो फिर आप थोड़ा सा संभल के करिएगा जो भी कर रहे हो, नहीं तो आप मेरे बाकी उधर भी मैं क्या ही बोलूँ, उधर भी दिन सही नहीं जा रहा मेरा तो 3 दिन से, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ बता दी, जो पता था वो बता दिया है, बट एक चीज़ की गारंटी आपको देता हूँ, गुजरात नेक्स्ट मैच आपको बहुत मोटा जैकपॉट देगा, नहीं तो वो जीतेगा। अगर आप गुजरात चाहे इसके सामने मुंबई आ जाए चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाए, गुजरात नेक्स्ट मैच आप देख लीजिएगा वन साइडेड नहीं हारेगा, बहुत तगड़ा मैच खेलेगा, हार्दिक पंड्या बॉलिंग भी करेगा और वो दिखाएंगे गुजरात की एक्चुअली वो है कौन। वो जो मैच विनर है उनके पास डेविड मिलर आपके, ये शुभमन गिल जितने भी क्रिकेटर हैं, राशिद खान, नेक्स्ट मैच में वो दिखाएंगे एक्चुअली में टीम क्या है गुजरात की, वन ऑफ द बेस्ट टीम है टूर्नामेंट की, और बैंड बजा देंगे लास्ट मैच नेक्स्ट मैच में, और वो जीत करके फाइनल भी जीत जाए तो उसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट मैच का मैं वीडियो बनाऊंगा और आप कर लीजिएगा आपको जो करना है, ठीक है। गुजरात वो मैच नहीं हारेगा और हारेगा तो एकदम आपको जैकपॉट स्टाइल में हारेगा, मैं लिख के दे रहा हूं अभी, कहीं कॉपी पे लिख लीजिए और उस दिन आके बोल दीजिएगा मेरे को, गुजरात इतनी खराब टीम नहीं है जो कल हुआ है, ठीक है, और इसका खामियाजा नेक्स्ट मैच में आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको सारी चीज बता दी, अगर LSG चेस पे आएगी तो थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। हालांकि ये वन साइडेड चेस नहीं कर लेंगे, ये भी नीचे के इनके प्लेयर है तो स्टार्ट टीम के विकेट जरूर गिरेंगे, तो 3-4 विकेट वहां से मैच उड़ सकता है, तो आप हो सकता है कि आप थोड़ा सा दोनों साइड कर लो, ठीक है। बट अगर मुंबई चेस पे आएगी तो फिर काम खत्म है, ठीक है, और तो कुछ बोलना नहीं। नेक्स्ट मैच का मैंने अभी से आपको बोल दिया और गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी के लिए मैं चलता हूँ।